एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय क्लास। मैं हूं स्नेहा और हम पढ़ रहे थे क्लास 6 के मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 प्लेन विद नंबर्स और हम एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व कर रहे थे। पिछले क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व किया था और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें है राइट द स्मॉलेस्ट एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच नंबर सो द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। हमें क्या करना है कि हमारे पास जो नंबर्स दिए गए हैं उसमें कोई ब्लैंक स्पेस है जैसे कि यहाँ पर और यहाँ पर हम देख सकते हैं। अब इन ब्लैंक स्पेस पे हमें वैसा कोई नंबर यहाँ पर फिल करना है जो कि एक बड़ा डिजिट होना चाहिए, सबसे ग्रेटेस्ट होना चाहिए और सबसे लोएस्ट होना चाहिए। वैसा ग्रेटेस्ट और लोएस्ट जिसे पुट करने के बाद ये जो पूरा नंबर होगा वो क्या होगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 से यहाँ पर डिविजिबल का बात हो रहा है तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था। 3 का डिविजिबिलिटी रूल को हम रिकॉल करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस है उसे फिल करने का ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी ऑफ 3 क्या था, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 ये था कि कोई भी नंबर हो हमें क्या करना है उस पर जितने भी डिजिट्स हैं उसका सम लेना है और सम लेने के बाद जो भी वैल्यू आएगा, जो वैल्यू है वो अगर 3 से डिविजिबल हो रहा है तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से जिसपे है ब्लैंक 6724। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट को यहाँ पर पुट करना है, ऐसा स्मॉलेस्ट डिजिट जिसे पुट करने के बाद ये 3 से डिविजिबल हो जाए। और 3 का डिविजिबिलिटी यहाँ पर टेस्ट हमें लगाना है जो कि है ब्लैंक प्लस 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4। अब यहाँ पर इन सारे डिजिट्स को सम करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ पर हमें ऐसा कोई नंबर पुट करना है सबसे छोटा, तो हम यहाँ पर सबसे पहले जितने नंबर्स हमारे पास है उसे सम करके देखते हैं, यानी कि इन सारे नंबर्स का सम क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब 19 में सबसे छोटा ऐसा कौन सा डिजिट हम ऐड करें कि वो क्या हो जाए, 3 से डिविजिबल हो जाए। 3 का अगर हम टेबल देखें तो 3 के टेबल में क्या आता है, 19 तो नहीं आता है। तो 19 से हमें क्या करना है, ज़्यादा करना है क्योंकि यहाँ पर हमें सम लगा रहे हैं। तो 19 से एक डिजिट ज़्यादा ऐसा कौन सा है, तो 3 के टेबल में आता है हमारा क्या, 3 7 21 और 3 6 18 होता है। तो 18 तो 19 से छोटा है लेकिन हमें क्या चाहिए, बड़ा डिजिट चाहिए, तो ये 21 हो सकता है। तो हम यहाँ पर 21 कर लेते हैं। अब 19 को 21 बनाने के लिए हमें कितना ऐड करना होगा, 2 ऐड करना होगा। तो सबसे छोटा डिजिट यहाँ पर क्या हो गया, 2 हो गया। ये तो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट का हो गया। अब सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट को हम सम करते हैं, देखेंगे। अब इन सब का सम तो क्या हो जा रहा है, 19 हो जा रहा है और 2 तो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट था जो कि हमने ऐड कर दिया, तो 21 आ गया। अब यहाँ पर कोई एक ही डिजिट हमें डालना है तो हम क्या डाल सकते हैं, हम स्टार्ट करेंगे 9 से। अगर 19 में 9 को सम करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। लेकिन 28 क्या होता है, डिविजिबल नहीं होता है 3 से। तो हम उससे एक छोटा डिजिट लेके देखेंगे कि 28 नहीं होता है लेकिन 27 तो 3 से डिविजिबल होता है। तो अगर हम 19 में 9 की जगह 8 ऐड कर दें तो वो क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 19 प्लस 8 अगर हम कर दें तो वो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट जो होगा वो 2 होगा और सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट क्या होगा, 8 होगा। स्मॉलेस्ट डिजिट क्या हो गया, 2 और ग्रेटेस्ट डिजिट क्या हो गया, 8 हो गया। यानी कि ये जो हमारे पास नंबर्स था उसमें हम ब्लैंक स्पेस पे सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट 2 ऐड करेंगे तो वो 21 हो जाएगा जो कि 3 से डिविजिबल, और सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट 8 ऐड करेंगे जिससे वो 27 हो जाएगा जो कि भी 3 से डिविजिबल है। नेक्स्ट पे हमें देखना है तो सेम हम करेंगे, यहाँ पर हम स्मॉलेस्ट के लिए डालेंगे 4
फोर प्लस सेवन प्लस सिक्स प्लस फाइव प्लस बैक स्पेस प्लस टू, यहाँ पर ट्विस्ट। ये भी हम कर लेते हैं, फोर प्लस सेवन प्लस सिक्स प्लस फाइव प्लस नेक्स्ट स्पेस प्लस टू। अब हमें सबसे पहले देखना है क्या, यहाँ पर जो नंबर्स गिवन है उनका सम क्या होगा। तो हम सम कर लेते हैं, तो जो डिजिट्स गिवन है उनका सम क्या हो रहा है, 24 हो जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर चेक करेंगे कि 24 जो है वो 3 का जो भी डिविजिबल नंबर्स होते हैं उससे कितना ज़्यादा है या फिर कितना कम है। 3 8 जा 24 होता है, तो 24 अगर 3 से डिविजिबल है तो हम सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या डाल सकते हैं यहाँ पर, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर यहाँ पर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। इससे क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा जो कि 3 से डिविजिबल होगा। अब सबसे स्मॉलेस्ट तो हमने 0 डाल दिया, लेकिन सबसे ग्रेटेस्ट पे तो हम 0 नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि हम इसमें कोई बड़ा नंबर तो ऐड कर सकते हैं ना, जिसके बाद भी ये क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगर 24 है तो सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट क्या हो जाएगा, 9। अब 24 में 9 ऐड करके देखते हैं कि वो 3 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो 24 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा, जो कि क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 9 कर लेंगे और यहाँ पर 33 हो जाएगा, जो कि क्या होगा, ग्रेटेस्ट नंबर 9 हो गया, जिसके जिससे क्या हो गया, ये नंबर भी 3 से डिविजिबल हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें क्या करना था, जो भी ब्लैंक स्पेस था उस पर हमें सबसे ग्रेटेस्ट और सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट को पुट करके ये जो पूरा नंबर था उसे क्या करना था, 3 से डिविजिबल बनाना था, जो कि हमने कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिस पे है राइट अ डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 11। यानी कि हमारे पास दो नंबर्स दिए हुए हैं जिसमें ब्लैंक स्पेस है, हमें इस ब्लैंक स्पेस पे कोई भी एक ऐसा नंबर पुट करना है जिससे ये पूरा नंबर क्या हो जाए, डिविजिबल बाय 11 हो जाए। तो सबसे पहले हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल रिकॉल करते हैं। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, कोई भी गिवन नंबर है, हमें क्या करना है, उसमें राइट साइड से सारे ऑड प्लेसेस का सम और सारे इवन प्लेसेस पे जो नंबर्स होते हैं उसका सम लेके उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना होता था, और फिर जो भी डिफरेंस आएगा वो अगर 11 से डिविजिबल होगा या फिर 0 होगा तो वो नंबर जो होगा 11 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले ऑड प्लेसेस पे हम देखते हैं कौन कौन से नंबर है, 9, 3, 2। तो ये हो जाएगा 9 प्लस 3 प्लस 2, ये हो गया सब्सट्रैक्टेड बाय 8 ब्लैंक 9। 8 प्लस ब्लैंक प्लस 9 इज इक्वल्स टू, या तो 0 होना चाहिए तो डिविजिबल बाय 11 होना चाहिए। तो हम इसे देखते हैं, 9 प्लस 3 प्लस 2 14 सब्सट्रैक्टेड बाय, ये क्या हो जाएगा, 8 प्लस 9 ये हो जाएगा 17 सब्सट्रैक्टेड बाय 17 प्लस डैश। अब यहाँ पर हम देखते हैं 14 सब्सट्रैक्टेड बाय 17 प्लस डैश। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर डैश की जगह पर अगर हम ए ले लेते हैं, एक कोई वेरिएबल ले लेते हैं हम ए, अब यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 14 सब्सट्रैक्टेड बाय 17 प्लस ए इज इक्वल्स टू हो जाएगा ये 3 प्लस ए। अब यहाँ पर क्या हुआ, 3 प्लस ए हुआ, अब जो इसका वैल्यू माइनस 3 होगा, लेकिन हम माइनस 3 तो नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम कोई भी नंबर बनाते हैं तो हम यहाँ पर इसके बीच में ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं 9, 2, -3, 3, 8, 9, ऐसा तो कोई नंबर होता नहीं है। ये जो माइनस आएगा वो बस एक ऑपरेशन, वो साइन होता है, वो शो करने के लिए होता है, लेकिन हम यहाँ पर नहीं लेंगे क्योंकि हम इसमें बीच में तो लिख नहीं सकते हैं, इसीलिए। तो ये हो गया 3 प्लस ए। अब हमें 3 प्लस ए को क्या करना होगा, या तो इसका वैल्यू 11 से डिविजिबल होना चाहिए या तो वो 0 होना चाहिए। 0 तो हो नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर 3 है और ये से आगे हमें और बढ़ाना है, प्लस करना है। तो ये हम क्या कर सकते हैं, 11 बना सकते हैं सबसे छोटा डिविजिबल 11 का, तो इज इक्वल्स टू 11 कर सकते हैं। तो ए का वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा,
इज इक्वल्स टू हो जाएगा 11 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 8, यानी कि यहाँ पर जो नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यानी कि अगर इस नंबर के बीच में जो ब्लैंक स्पेस है वहां पर अगर हम 8 पुट करते हैं तो ये पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। अब उसी तरह से आते हैं सेकंड पे, तो सेकंड के लिए भी हम सेम करते हैं। यहाँ पर जितने और प्लेसेस पे है 4 ब्लैंक, 4 प्लस 4 प्लस, हम ब्लैंक स्पेस की जगह क्या ले लेंगे, ए ले लेंगे एक वेरिएबल, सब्सट्रैक्टेड बाय 8 9 8 8 प्लस 9 प्लस 8, हमने ये ले लिया। अब हम इसे ऐड कर लेते हैं, 8 प्लस 8 सब्सट्रैक्टेड बाय 25। अब ये क्या हो जाएगा वैल्यू, अब इसका वैल्यू हो जाएगा 17 प्लस 8। अब 17 प्लस 8 का जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होना चाहिए, 11 से डिविजिबल होना चाहिए। अब 17 से बड़ा 11 का डिविजिबल क्या होगा, 22 हो जाएगा। तो 22 माइनस 17 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जाएगा 5। यहाँ पर जो ब्लैंक स्पेस है उसमें क्या फिल कर सकते हैं, 5 फिल कर सकते हैं। 5 फिल करने से क्या हो जाएगा, ये जो पूरा नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 11 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे कि हमने 11 का डिविजिबिलिटी रूल टेस्ट यूज करके हमने यहाँ पर सॉल्व करके देख लिया। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 3.3 यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अगले क्लास में हम कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।